गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू पंखुड़ी। सो टुडेज टॉपिक है ब्राइटनिंग सोप। ओके, आज हम जो सोप बनाएंगे दैट इज फॉर ब्राइटनिंग स्किन। ओके, तो हम दो इंग्रेडिएंट यूज करेंगे इस बार इस सोप में। डबल लेयर सोप बनाएंगे हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको क्या क्या लगेगा? सबसे पहले तो आप ग्लोव्स पहन लीजिए हाथों में। आपको लगेगी वेइंग स्केल जिसपे आपको अपने बेस को मेजर करना है। सबसे पहले हम बेस मेजर करेंगे। वो कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ योर मोल्ड, जो भी आपकी मोल्ड की कैपेसिटी हो उसी के हिसाब से आप मेजर करोगे। बट दिस टाइम हम बना रहे हैं डबल लेयर सोप, तो आप ध्यान रखिए जो आपकी कैपेसिटी है। सपोज यू हैव 100 ग्राम्स ऑफ मोल्ड कैपेसिटी, तो आपको सिर्फ 50 ग्राम्स यूज करना है, क्योंकि एक लेयर 50 ग्राम्स का हो सकता है एंड सेकेंड इज 50। आप 70-30 भी कर सकते हो, ये चॉइस इज योर्स। ओके, और आपको लगेगा एक माइक्रोसिव जार जिसमें आप अपने बेस को मेजर करने के बाद कट करोगे। सो लेट्स मेजर द बेस फर्स्ट। हो गया ये 50% ऑफ द 100 ग्राम्स, मतलब 50 ग्राम्स ऑफ ये बेस है मेरा। उसको मैं कट करूंगी स्मॉलर पीसेस में। द फर्स्ट लेयर आई एम गोइंग टू मेक इज ऑफ रोज। ओके, जो पहला लेयर हम बनाएंगे ना वो रोज का होगा, तो वी आर गोइंग टू यूज एडिटिव्स अकॉर्डिंग टू दैट। यू कैन यूज रोज पाउडर, रोज पेटल, रोज ऑयल, द चॉइस इज योर्स। ओके, थोड़ा सा और है, उसके बाद आई विल मेल्ट द बेस। आई विल कीप इन माइक्रोवेव फॉर 30 सेकेंड्स। आज अराउंड 30 सेकेंड से भी कम लगेगा बिकॉज द बेस क्वांटिटी इज अराउंड 50%। तो मैं इसे मेल्ट करके आती हूँ। सी, यू कैन सी हमारा जो बेस है वो कट हो चुका है। तब तक बेस मेल्ट हो जाए ना, हम रेडी करेंगे हमारे मोल्ड को। तो यू कैन ऐड द रोज पेटल्स इन द मोल्ड जैसे मैंने डाला है, और यू कैन यूज इट और यू कैन ऐड इट इन टू द मेल्टेड बेस ऑल्सो। की द चॉइस इज योर्स। यू कैन यूज रोज पाउडर, अगर आप रोज पाउडर यूज कर रहे हो तो आपको उसको कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करना होगा। और अगर रोज पेटल्स यूज कर रहे हो तो नो नीड टू, क्या बोलते हैं, ऐड एनी कैरियर ऑयल। तो हम रेडी करने के बाद सबसे पहले इसे प्लेस कर देंगे। बस रैंडमली ऐसे ही रोज पेटल्स को स्प्रेड कर लीजिए। लेट मी चेक हमारा जो बेस है वो मेल्ट हो चुका है या नहीं। ओके, जो हमारा बेस है वो पूरी तरह मेल्ट हो चुका है, एज यू ऑल कैन सी। तो इसे हम वेट करेंगे, और सबसे पहले इसमें मैं पिंक कलर डालने वाली हूँ। यू कैन ऐड रेड कलर ऑल्सो, चॉइस इज योर्स, बट पिंक मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। व्हेन आई प्रिपेयर रोज सूप आई यूज नॉर्मली पिंक कलर। तो इसमें मैं डालूंगी अ ड्रॉप ऑफ पिंक कलर। पहले देख लीजिए, एक साथ ज्यादा डालने से अच्छा है कि आप एक बार चेक कर लीजिए आपको जो डिजायर कलर मिला है या नहीं। सो यू कैन सी That much color is enough for me. If you need, you can add 2 drops also. Okay. अब next step is, हमने petals डाल दिए हैं। अगर आप rose powder डाल रहे हो तो you will add now the rose powder by mixing it with carrier oil. Next is, I'm going to use rose essential oil. First essential oil के पहले fragrance डाल दीजिए rose oil का। okay? रोज ऑयल हम फ्रेग्रेंस यूज करेंगे, रोज फ्रेग्रेंस ऑयल, बिकॉज वी आर मेकिंग रोज सोप। 10 to 12 ड्रॉप्स इज इनफ। जैसे ही हम फ्रेग्रेंस ऑयल डालते हैं, वेरी ब्यूटीफुल प्लेजेंट फ्रेग्रेंस कम्स आउट ऑफ द बेस। फ्रेग्रेंस ऑयल का काम ही है हमारे सोप को अच्छा सा फ्रेग्रेंस देना। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू एड एसेंशियल ऑयल। 5 to 6 ड्रॉप इज इनफ। अगेन मिक्स इट
अब हमारा जो रोज पेटल है उसी के ऊपर हम ये लेयर डाल देंगे हमारे सोप का। नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड स्प्रे द आईपी ऑन द टॉप ऑफ इट। नाउ हम सेकेंड लेयर की तैयारी करते हैं। सेकेंड लेयर आई एम गोइंग टू यूज एज ऑरेंज। ओके, हम रोज और ऑरेंज को कॉम्बो करके हम बनाएंगे सोप, बिकॉज वी आर दे बोथ आर वन ऑफ द ब्राइटनिंग एजेंट। ये हमारे स्किन को ब्राइटन अप करने में यूजफुल है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, बेस को मेजर करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कट द बेस इनटू स्मॉलर पीसेस। अब मैं ये कट कर रही हूँ स्मॉलर पीसेस में। The first layer was of rose and the second layer which we are going to make is of orange. Okay, तो बेस को हम स्मॉलर पीसेस में कट कर रहे हैं। ये भी जैसे हम कट कर देंगे वी आर गोइंग टू मेल्ट द बेस। यहाँ पे दो मेथड है आप जिससे आप अपने बेस को मेल्ट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज यूज अ माइक्रोवेव फॉर 30 seconds और यू कैन यूज अ डबल बॉयलर मेथड ऑल्सो। As per your comfort, you will use the method. Okay, जो हमारा बेस है वो रेडी हो चुका है कट करके। As you well can see, now I'm going to keep it in microwave for 30 seconds. Okay, तो हम next layer का रेडी कर लेते हैं additives. I'm going to use rose, sorry. ऑरेंज पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर यू कैन यूज अराउंड 1/3 टीस्पून आपको लगेगा ऑरेंज पाउडर। उसको आप मिक्स करोगे विटामिन सी, यू कैन यूज एज ए ऑयल टू मिक्स द ऑरेंज पील पाउडर। यू कैन यूज ऑरेंज ऑयल ऑल्सो, यू कैन यूज एनी कैरियर ऑयल विच इज सुटेबल एज पर योर स्किन टाइप टू मेक अ पेस्ट। हम पेस्ट बनाने के लिए यूज करेंगे कैरियर ऑयल। तो मेरा 1/3 टीस्पून है, आई एड 1/4 टीस्पून ऑफ ऑरेंज ऑयल टू मेक अ पेस्ट। यू कैन यूज ऑरेंज एक्सट्रैक्ट ऑल्सो। कीप इट एसाइड और मैं चेक कर लेती हूँ जो मेरा बेस है वो रेडी है कि नहीं मेल्ट होके। So give me a second, I'll come back. Yes, you can see the base is completely melted. I'm going to use orange color. Stir करने के लिए उसके बाद जो हमने orange peel powder है वो लेंगे, वो ये डाल देंगे उसके अंदर। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू यूज फ्रेग्रेंस। यू कैन यूज ऑरेंज फ्रेग्रेंस ओवर हियर। आपको अगर ऑरेंज डबल लेयर फ्रेग्रेंस दे सकते हो तो आप दे दीजिए, वो भी 10 to 12 drops रहेगा। और अब इसकी बारी आ गई है, हम इसे जो रोज है ना, जो रोज का रेडी है हमारा सोप, उसी के लेयर के ऊपर हम डाल देंगे हमारा ऑरेंज का लेयर। उसी के ऊपर हम डाल देंगे अगेन आईपीए।
बिट ऑफ स्टे विल डू इट। ओके, थोड़ा सा जो है वो बाद में भी आप क्लीन कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन क्लीन इट। तो ये जैसे ही, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम टू सेट, जैसे ये सेट हो जाए एंड विल रैप इट। ओके, यू कैन यूज मेल्ट एंड पोर सोप्स ऑन द सेम डे और एज पर योर नीड। द शेल्फ लाइफ विल बी डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल यूज बाई यू।